नाजरीन, मैं हूं मलिक एजाज खोकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ट्विटर के न्यू बॉस ने अपना चार्ज संभाल लिया है। एलोन मास्क ने जो है ट्विटर खरीद लिया है और अपने ये 27 अक्टूबर को थर्सडे को उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विटर का जो है वो चार्ज संभालते हुए सीईओ प्राग अग्रवाल और इसके चार बड़े अहदेदार जिसमें सीएफओ भी शामिल है उनको जो है अपने अहदों से फारिग कर दिया है। और थर्सडे को 27 अक्टूबर को ही अमरीकी मीडिया ने खबर दी है कि चार्ज संभालते ही उन्होंने जो है वो चार आला अहदेदारों को जो है वो जो ट्विटर में काम कर रहे थे अब सबका हो चुके हैं उनको उनके अहदों से फारिग कर दिया है। और साथ में एक खबर ये भी थी कि 75% जो इम्प्लॉयज हैं वो उनको भी निकालने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की जो है वो तरदीद की है। नाज़रीन, अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग का की इत्तदा में एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर की जो पेशकश की थी बाद में उसकी मुखालफत कर दी, जिसके ऊपर ट्विटर ने उनके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा फाइल किया था और वो भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स के खिलाफ। एलोन मस्क ने बुध 26 अक्टूबर को अपनी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो जारी की थी, जिसमें वो एक सिंक उठाते हुए जो है वो जा रहे थे और उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि लेट दिस सिंक इन, जिसका लफ्जी मतलब यही है कि सिंक को अंदर दाखिल होने दें, और वो ट्विटर के हेड ऑफिस के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे थे। नाज़रीन, उन्होंने ट्विटर पे अपना जो तब्दीली की है, उन्होंने अपने प्रोफाइल के ऊपर चीफ ट्विटर जो है वो उन्होंने उसको करार दिया है और अपने प्रोफाइल में लिख दिया है, और अपनी लोकेशन जो है वो भी उन्होंने चेंज कर दी है। अब वो सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर ली है। और नाज़रीन, जुमेरात को ही ट्विटर पर अपने जो है वो पैगाम शेयर करते हुए उन्होंने इन इरादों की और इन क्यासरों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर खरीदना बेसिकली इंसानियत की खिदमत के लिए ये मैंने जो है वो काम किया है। और इसके ऊपर नाज़रीन, ट्विटर के ऊपर सार्फिन ने जो है बड़ी क्रिटिसाइज किया था, बड़ी तनकीद का इजहार किया था कि जी ये एक दुनिया के अमीर तरीन जो है वो शख्स ने इसको खरीद लिया है, और उन्होंने अपने खदशात से का इजहार करते हुए ये कहा था कि इसमें इदारे राय का तहफ़ आइंदा दिनों में शायद नहीं रहेगा। ये उन्होंने जो है सार्फीन ने जो है इजहार किया था। और नाज़रीन, मैं ये बताता चलूं कि एलोन मस्क जो हैं ये टेस्ला जो कंपनी है उसके भी ये जो है ये मालिक हैं। और इसके अलावा एलोन मस्क ने इस बात का भी इजहार किया है कि वो जो सबका अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनके जो है वो अकाउंट को बहाल कर देंगे, क्योंकि 6 जनवरी 2022 को वाशिंगटन में जो फसादात हुए थे उस फसादात के ऊपर जो है ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हटा दिया था, और अब नए बॉस ने जो है उनको जो है वो उनके अकाउंट को बहाल होने का जो है अंदिया दे दिया है और कह दिया कि वो बहाल कर देंगे। नाज़रीन, ट्विटर के को की ओनरशिप चेंज होने पे ही इसका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका जो शेयर है वो 54.20 डॉलर जो है उसका खरीदारी का शेयर वो बढ़ चुका है, और सरमायादारान जो है वो ये कह रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं कि ये 44 बिलियन डॉलर का जो माहदा है ये अदालत में क्योंकि पेंडिंग है, और वो कह रहे हैं कि इसकी जो एक्चुअल इसकी डेट है हेयरिंग की उससे पहले ही ये 44 बिलियन डॉलर के माहदे का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा।
नाज़रीन इस के ऊपर मजीद मैं आपको ऐड ये कर दूं कि ट्विटर के बोर्ड ने भी एलन मस्क की जो 44 अरब डॉलर की जो पेशकश है उसको बकायदा इंसो जो है वो तौसीक उसकी कर दी है, उसको साइन कर दिया है और इंडोर्स कर दी है इसको। और ये है नाज़रीन जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके सामने जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। आप जो है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन मेरे इस चैनल को जो है हौसला अफजाई के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, आपका बहुत मशहूर होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।